प्रार्थना तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रार्थना प्रार्थना एक सेकेंड, ये तो बहुत खून बह रहा है प्रार्थना। चलो मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए, आज तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हें कुछ हो जाता तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता। मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए रोने वाला है ही कौन? ऐसे कैसे है ही कौन, है ना? बेटी को चोट लगने के बाद जो सबसे ज्यादा रोती है वो है ना माँ। प्रार्थना, मैं तेरी माँ हूं। और ऋषभ तेरे पापा। किस्मत हमारे साथ है, बहुत गंदा खेल खेल गई प्रार्थना। तू बहुत छोटी थी तभी तू प्रोफेसर की बेटी के साथ बदल गई। तब से मानो हमारी दुनिया ही बदल गई प्रार्थना। माँ, हो गया, कुदरत का सबसे बड़ा मिलन हो गया। इसका मतलब जिस पिता ने मुझे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, उनके कातिल मेरे खुद के पिता है। प्रार्थना, थैंक यू सो मच प्रार्थना, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आई लव यू यार, थैंक यू। अनमोल, तू मेरी बहन है और मेरे होते हुए मैं तेरी शादी एक कातिल से तो कभी नहीं होने दूंगी। नहीं होगी ये शादी। हाँ, अनमोल मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे प्यार नहीं करता, तो मैं उसे शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। शादी कर ली तो अपने और अनमोल दोनों के इमोशंस के साथ चीट कर जाऊंगा। आई नो कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ टाइम तक मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहे, और इसके लिए मुझे अनमोल से अपने दिल की बात कहनी होगी कि मेरा प्यार कोई और है। अच्छा चलो, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं फटाफट जाके अपना दुपट्टा चेंज करके आती हूँ। फट क्या है ना, मैं अभी आती हूँ। हाँ नॉट दिस वन, ये देख वेरी लाइट। बट अनमोल, आई गेस तू ये वाला ट्राई कर, ये ना रुद्र के सूट के साथ भी मैच करेगा और ये अच्छा लगेगा यार। ट्राई दिस, लेट मी ट्राई, दिस इज लुकिंग बेटर। नो जी। चलो अब हम इन लव वर्ड्स को यहाँ छोड़ के बेहाजिर हो जाते हैं। गुड। अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आई लव यू बोलेगा देखना। हाँ बोलो। अनमोल, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, पर एक खुशी मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मैं किसी और से प्यार। अनमोल तुम क्या?
बचपन से ना मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया रुद्र। मैं ये पूजा पाठ एंड ऑल में नहीं मानती, लेकिन हाँ अगर भगवान से किसी को मांगा है ना या कुछ मांगा है ना तो वो सिर्फ तुम हो रुद्र। और आज फाइनली जो मांगा है वो मिल रहा है। तुमसे शादी हो रही है और तुम मना कर रहे हो। रुद्र, I'm warning you. अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो I'm gonna kill myself. अनमोल, मुझे जवाब दो, मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना रुद्र? रुद्र, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में गोली चला दूंगी। रुद्र, रुद्र जवाब दो। करूंगा तुमसे शादी अनमोल। तू ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। यार तू कर क्या रही थी? अनमोल, तू अपनी जान ले रही थी? नो वे, मेरा प्यार सच है, लेकिन ये गन नकली। पर वो रुद्र कह रहा था कि उसे किसी और से प्यार है। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो किससे प्यार करता है, अपने काम से। और ये जो शादी के लिए मना कर रहा है ना, वो सिर्फ नर्वस है। वो जो शादी से पहले फोबिया होता है ना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। गर्ल्स रिलैक्स। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम। आई मीन मेरे और रुद्र के बीच में कोई लड़की आ ही नहीं सकती, और इन केस कोई आ भी गई तो आई एम गोना किल हर। रुद्र, तुम्हारी बारात निकले इससे पहले मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान निकाल लूंगी, मार दूंगी। रुद्र, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, जल्दी मेरे साथ स्टडी में चलो। बाहरी किस्मत क्या मौका दिया है, दोनों कातिलों को एक साथ कर दिया है। अब दोनों की जान एक साथ जाएगी। अरे प्रार्थना, क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो डांस करते हैं। नहीं, मैं अभी ना। प्रार्थना, डांस करो ना हमारे साथ। मैं अभी डांस नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। नो, अभी कोई काम नहीं है, ओके? डांस जरूरी है, कम। रुद्र, जिस वासुकी शेष मंदिर के बारे में हमें पता लगाना था, उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। यह है वो मंदिर। ये वो एक प्राचीन मंदिर है जिसका द्वार दुश्मन खोलना चाहते हैं, और उस द्वार को खोलने के लिए उन्हें एक शेष नागिन की जरूरत पड़ेगी। शेष नागिन? सर, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। होती है रुद्र। अब आप लोग दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले आइए। मैं रुद्र को लेके आता हूँ। मैं अनमोल को लेके आती हूँ।
अब प्रार्थना तुम भी चलो ना मेरे साथ। लाइट कैसे चली गई? अरे अब इस अंधेरे में शादी कैसे होगी? वान्या, वान्या मुझे एक ग्लास पानी दो प्लीज। वान्या वानिया मुझे पानी। ये मौसम करो कैसे अचानक से कैसे बदल गया? अचानक से आंधी तूफान, ये कहीं किसी मुसीबत का संकेत तो नहीं है? अनमोल, अनमोल कहाँ है? इतना अंधेरा है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वान्या भी ना, पानी कहाँ है? पानी। थैंक गॉड रुथ, पता है मुझे कब से प्यास लगी हुई थी। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं। अनमोल, 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 कृष्ण जी कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए किया गया बुरा काम बुरा नहीं होता। बल को बल से काटो, छल को छल से काटो। तो मैं तुझे ही बचा रही हूं मेरी बहन। आइए सब लोग, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी एक मिनट, शायद फ्यूज उड़ गया, मैं अभी देख कर आता हूं।
सब ठीक है, डोंट वरी। और वर वधु का हस्त मिलाप कराइए। मंगल सूत्र और सिंदूर की विधि होगी। रुद्र, अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरो। मॉम, अगर अनमोल वहां है तो यहाँ मंडप में घूंघट में कौन बैठी है? तुमने क्या किया? लोग शादी का मुहूर्त बदलते हैं, तुमने मंडप में दूल्हा नहीं बदल दी। ऐसा क्यों किया तुमने प्रार्थना? बताओ क्यों किया? देख लिया ना तूने अपनी इन नजरों से, अपनी इन्हीं आंखों से कि प्रार्थना ने क्या किया। कितना भरोसा करती थी तू उस पे, इतना साथ दिया तूने प्रार्थना का और उसने क्या किया। अगर तू मंडप से चली गई थी तो उसे तेरी जगह पर बैठने की क्या जरूरत थी? अगर तू गायब थी तो उसे तुझे ढूंढ कर वापस लाना चाहिए था, है ना? पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो मौका का पूरा फायदा उठाया और झट करके रुद्र से शादी कर ली। ये सब उसका नाटक है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पहले से ही रुद्र को प्यार करती होगी, इसलिए मौका मिलते ही उसने रुद्र से शादी कर ली। अरे शादी क्या, शादी से पहले ही दोनों की आबादी थी। रुद्र के ऑफिस में ये लड़की उसके साथ काम करती थी, हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों ये काम करते हैं। लेकिन अनमोल, मैं तुझे अलग समझती थी। मुझे लगा था कि तू उस लड़की को नहीं छोड़ेगी जिसने तेरे प्यार से प्यार किया।
तू भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली, कमजोर या सैड। उसको चोट पहुंचाने के बजाय खुद की जान लेने चली थी तू। हाउ स्टूपिड। सुन, जिस लड़की ने तेरे आंखों में इतने सारे आंसू भरे हैं ना, इन्हीं आंसुओं को जमा कर और उन्हें सैलाब बना और बरस जा उस पर। अगर ये लड़की यहां से चली गई ना, तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? उसे अपनी नजरों के सामने रख, और जिस तरह उसने तेरी शादी तोड़ी है ना, ठीक वैसे ही तू उसकी शादी तोड़। चलते हैं, चलो प्रार्थना। रुको, कहाँ जा रहे हो दोनों? प्रार्थना के साथ अपने घर। ओके फाइन, लेकिन प्रार्थना से शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर छोड़ के चले जाओगे तुम। देखो, मैंने ना दुनिया की कोने कोने से अपने फ्रेंड्स को बुलाया दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, सो इस दिवाली पार्टी में तो तुम दोनों को भी होना पड़ेगा। अनमोल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। अनमोल आई ओके, तुम इन दोनों को रुकने के लिए बोल रही हो? इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है, जाने दो इन्हें हनीमून। नहीं माँ, दिल ने जिसे अपना मान लिया सो मान लिया। प्रार्थना मेरी बहन है, आई मीन बहन के जैसी, सो इट्स ओके। हाँ, मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, पर दैट्स फाइन। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। थोड़ा देर से ही रियलाइज हुआ कि ये तो एक तरफा प्यार था। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। इनफैक्ट तुमने तो मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ही स्टूपिड हूँ कि कभी तुम्हें सीरियसली लिया ही नहीं। सो मेरी गलती है। चलो ये सारी बातें भूल जाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक दो दिन के लिए तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तुम लोग जाओगे ना तो सबको लगेगा कि अनमोल ना बड़ी डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है, लेकिन अगर तुम लोग यहीं रहोगे, मेरे साथ पार्टी करोगे, इंजॉय करोगे, तो सबको लगेगा कि शादी हुई ना हुई अनमोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज स्टे नो। ठीक है अनमोल, ओके, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अपनी दोस्त के लिए इतना तो मैं खरीद सकता हूँ, सो नो प्रॉब्लम, हम रुकेंगे यहाँ पे। मेरे लिए इतना ही काफी है। रुद्र, जो कमरा हमारे लिए सजा था, वो कमरा कुछ दिन के लिए तुम दोनों का हुआ। और दिवाली के बाद तुम दोनों को जहां जाना होगा ना, चले जाना, एकदम फ्री होगे तुम लोग। और हाँ, अगर कोई आएगा और पूछेगा कि ये शादी क्यों नहीं हुई, तो तुम्हें सबको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, तुमने नहीं। डील? चलो आ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ड्रॉप करती हूँ। हाँ, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। आज मैं खत्म, मेरी शादी खत्म और ये प्यार खत्म। देखो, मैं प्रार्थना से तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त तोड़ दूंगा, बस एक बार पूछ कि तुम प्रार्थना से नहीं तो मनमोहन से प्यार करती हो। वो मैं वो तुम तुम मैं मोल के खानदान का नाम बचाने के लिए उस मंडप में बैठ गई, पर जब मिस्टर गुजराल ने तुमसे पूछा तो तुम तो ये शादी तोड़ सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ? मेरी आंखों में देखो प्रार्थना, तुम्हें प्यार दिखेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरी अनमोल से शादी कैसे हो सकती है? लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती है ना, यही कहना है? नहीं, वो मैं तो बस मंडप में बैठी थी, सोचा था कि वो रस्म शुरू कर देती हूँ, फिर जब अनमोल आ जाएगी तो
मैं अनमोल को मंडप में बिठा दूंगी। जानता हूँ, तुम और मैं तो बस। रत्ना, आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा क्योंकि अनमोल बहुत हर्ट है और शादी हो गई तो निभाऊंगा, पर अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहती तो मैं शादी तोड़ सकती हो, मुझे छोड़ सकती हो। मैं तुमसे जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन इन सबसे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम इस शादी में रहती हो तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। सॉरी, नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। मैं सोऊंगा सोफे पे। नहीं नहीं, मैं सोऊंगी। कमाल करिए तुम। अरे नहीं, अरे मैं, अरे तुम। हाँ एग्जैक्टली, मैं, मेरा मतलब है कि मैं सोऊंगा सोफे पे। अब आर्ग्यूमेंट नहीं करते, सुनो मुझे बहुत सारा काम है, क्या आप सो जाओ, तकिया लेके जाओ वहाँ पे, तो मैं सोऊंगा यहाँ पे। कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पे काम करना है एक्चुअली। कैसी इन्फॉर्मेशन? आई मीन क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? मेरा मतलब है अगर मैं भी कुछ हेल्प कर सकूँ तो। नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है और ये काम मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, ये मुझे अकेले ही करना है एक्चुअली। क्योंकि ये काम देश के दुश्मनों के खिलाफ है, बहुत खतरनाक है, और इस काम में प्रार्थना को इन्वॉल्व करके मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आखिर ऐसा भी क्या राज छिपा है इस डायरी में जो रुद्र मुझसे भी छिपा रहा है? अब तो मुझे किसी भी तरह ये डायरी हासिल करनी है। क्या पता इस डायरी में मुझे मेरे पापा के सारे कातिलों के सुराग मिल जाए। मेरी दोनों बेटियों ने आज कुछ अलग ही किया है। एक ने अचानक रुद्र से शादी कर ली। आज मैं खत्म, मेरी शादी खत्म और ये प्यार खत्म। क्या इस शादी के पीछे कोई वजह है या कोई पुराना बदला? वरना प्रार्थना रुद्र से ऐसी शादी क्यों करती? आई होप ऐसी कोई बात ना हो। ये क्या कर रही हो तुम? वैक से तुम्हारा कहीं तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये पर ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये दिल का दर्द इतना ज्यादा है, इस जलने का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। प्रताप, देखो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। अनमोल को मैंने समझाया, वो समझ गई ना, और प्रार्थना तो वैसे ही बहुत समझदार है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, तुम सो जाओ।